जाहिद जी, जी जी जाहिद जी, जमशेदपुर से खबर आ रही है चोरी की घटना घटी है, 21 थाना क्षेत्र में घटी है, और क्या है पूरा मामला? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर के मांगो थाना क्षेत्र का ये घटना हुआ है। शांता नगर रोड नंबर 15 आरती देवी के मकान पर चोरों ने चोरी किया है। बताया जा रहा है रात में करीब 2-2.5 बजे महिला जब उठी अपने बच्चे को टॉयलेट ले आने के लिए, तो उसी दरमियान देखती है दरवाजा खुला हुआ, मेन दरवाजा घर का, और चोर, तीन चोर को महिला ने देखा है आरती देवी ने, और वो चोर तो है चोरी किए हैं। बताया जा रहा है सास ससुर जो है गांव गए हुए हैं पिछले एक महीने से, उनका ताला तोड़ के चोरों ने चोरी किया है, और बताया जा रहा 12,000 रुपए था कैश, उसको चोरों ने चुराया है। साथ में एक साइकिल को भी चुरा के ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो महिला जब देखी तो तीनों चोर जो है भाग गए वहां से। उसके बाद महिला जो है लोगों को सूचना दी है, उनके जो हस्बैंड है वो ड्यूटी में गए थे, नाइट ड्यूटी था उनका वो, और महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अकेले दूसरे रूम में रसोई भी थी। ये घटना को अंजाम दिया चोरों ने, उसके बाद पुलिस पहुंची है आज सुबह, सभी बिंदुओं पर जांच किया है, पुलिस से भी बातचीत किया हमने, आरती देवी जी से भी बातचीत किया है, उनका कहना है 12,000 रुपए ये हमारे सास ससुर का ही रूम से चोरी हुआ है। जी पुलिस इस मामले को लेकर क्या कह रही है? देखिए पुलिस सुबह ही जो सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है, सभी बिंदुओं पर जांच की है, अब आगे इससे जो घटना को चोरों ने जो अंजाम दिया है उसको तय तक पुलिस पहुंचेगी, आखिर ये कौन लोग हैं कहां के हैं, अब सभी बिंदुओं पर से जांच होगा, जल्द से जल्द चाहेगी पुलिस गिरफ्तार करना। जी आए दिन चोरी की घटना ये घट रही है, प्रशासन कुछ कह नहीं रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए बिल्कुल अभी ठंड का मौसम है, लोग ठंड में काफी बढ़ रहा है जमशेदपुर में, और लोग जो है अपने अपने घरों में रहते हैं, रात में ठंड में निकलने में समय लगता है, तो इसके लिए चोर जो है चोरी कर रहे हैं लगातार, तो इसका घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी सोचना होगा, सुरक्षित जो सामान अपने घर में है उसको सही से रखे और अच्छे से रहे और ध्यान से रहे। जी जी धन्यवाद जाहिद जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से। सोना मित्र आपका? मैं आरती देवी, आरती देवी। हस्बैंड का क्या नाम है? दिलीप भगत, दिलीप भगत। अपना घर है ये? हाँ अपना घर है। क्या हुआ आपके यहाँ? 2:30 बजे रात में जब हम उठे अपने बेटी को बाथरूम करवाने के लिए, देखी मैं ताला टूटा हुआ है और सारा सामान, और लड़का लोग, तीन लड़का था, एक मेन गेट पे था और एक अंदर था घर का और एक द्वारी पे था, जब हम उठे तो तीनों का तीनों भाग गया, एक साइकिल लेके निकल रहा था, वैसे जब देखा तो साइकिल फिर छोड़ के चले गया। और क्या क्या चोरी हुआ? और 12,000 रुपए चोरी हुआ, 2 बैग में से, उसके बाद पता नहीं फिर उसके बाद भागा, तो हम बाहर निकल के देखे तो देख रहे कि वो लोग भाग गया था। 12,000 रुपए कैश था? हाँ, कैश। और क्या चोरी हुआ? और बाकी तो नहीं पता, मेरे सास आएंगे तो पता चलेगा। कैसे पता चला आपको 12,000 रुपए कैसे था? सास बताए, ससुर बताए। कहाँ है बोलो? गांव पे है, छपरा में। कब से गए हुए? 1 महीना हो गया। अच्छा, तो उन्हीं के यहाँ से रूम से चोरी? हाँ उन्हीं का रूम से हुआ है चोरी। हाँ, उसके बाद बगल के अंकल थे उनको जाके उठाए हैं, आके देखे हैं तो सब भाग गया था, कोई नहीं था यहाँ पे। हस्बैंड आपके? हस्बैंड ड्यूटी थे, ड्यूटी में रहते हैं। कहाँ करते हैं ड्यूटी? टिस्को में। अच्छा, आप अपने अकेले थे बच्चों को? हाँ, हम अकेले थे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 3 लोग था लो ना? हाँ, 3। क्या चीज से आता, क्या पैदल था, गाड़ी में? इतना तो नहीं पता, दीवार फांद के भागे, उसके बाद नहीं देखे हम। गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, गाड़ी घोड़ा था। यही मिला कि शांता नगर रोड नंबर 15 में रात में चोरी हो गई। जब हम जाँच करने के लिए गए तो हकीकत में 2 बजे रात में इनका लड़की बाथरूम करने निकली तो देखा 3 अज्ञात चोर, मुँह में काला काला गमछा बांधा हुआ था, और जैसे लोगों को देखा तो वो लोग भाग गया। और मैंने बोला क्या क्या चोरी हुआ, चोरी एक बक्से से जो है 10,000 रुपया और एक से 2,000 रुपया लिया गया, ज़बरदस्ती ताला का ये कुंडी निकाल दिया गया और मेन दरवाज़ा का ताला तोड़ दिया। यही तो घटना है, आपसे आगे बुलाया गया, उनका कार्रवाई आगे जाँच किया गया। 12,000 रुपये लगभग बताया? हाँ, लगभग 12,000 रुपया। और सब कुछ सामान? सामान कुछ नहीं, बाकी सामान कुछ नहीं, नगद ही। बोल रहा है कि एक बक्सा में करीब सर 2,000 था, एक बक्सा में करीब 10,000 रुपये, दोनों मिला के 12,000 रुपये। आपका नाम बता दीजिए? ये सही विद्यानंद कुमार।